सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जजाक अल्लाह। गुटके का कारोबार करना कैसा है, क्या गुटका बेचना जायज़ है या नाजायज़, सुहेल महाराष्ट्र से पूछते हैं। मैंने इसी चैनल पे जो एक सवाल का जवाब रिकॉर्ड करवाया है सिगरेट और तंबाकू के हवाले से, तो गुटके का जो हुक्म है वो सिगरेट और तंबाकू से ज़्यादा सख्त है, क्योंकि सिगरेट का इतना नुकसान नहीं है जितना गुटके का है। गुटके के तो बहुत वाक़यात और ये फौरी नुकसान पहुँचाता है, इसलिए गुटके के कारोबार को मैं समझता हूँ कि जायज़ के नहीं कहा जा सकता, और गुटखा खाना भी जायज़ नहीं है, इसका कारोबार भी जायज़, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी नुकसान होता है और इसके कई नुकसान आते हैं जिनमें कैंसर, हमने अपने दोस्तों को कैंसर से मरते हुए देखा है जो गुटखा खाया करते थे जवानी में, और बाज़ ऐसे हैं जिनका मुँह बंद हो गया, खुल ही नहीं रहा उनका। सिगरेट में हमने ये नुकसान बहरहाल नहीं देखे, तो इसलिए इसको आप सिगरेट और तम्बाकू पर कयास नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल इस तरह हराम नहीं है जैसे शराब हराम होती है, तो नाजायज़ बहरहाल है गुटके का काम भी, और इसका ज़रर बिल्कुल बयीन है, वाज़े नुकसान है और नज़र आता है। और एक चीज़ ये है कि इसमें बदबू बहुत ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्चा प्याज खा के मस्जिद में आने से मना किया, तो सिगरेट और तंबाकू की बू को जल्दी ज़ाइल किया जा सकता है, लेकिन गुटके की बू जल्दी ज़ाइल नहीं होती और देखने में बहुत कराहत महसूस होती है, जबकि ईज़ाए मुस्लिम भी इस्लाम में नाजायज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दांतों की सफाई का बे इंतहा अहतमाम किया करते थे, तो दांत को इतना गंदा कर देना कि देखने में ऐसा लगे जैसे इसने कोई गंदगी खाई हुई है, जैसे गुटके वालों का आप मुंह देखें जब उनके मुंह में खासतौर पर गुटका होता है तो उल्टी आ रही होती है इंसान को, तो ऐसा काम जिससे मुसलमान को तकलीफ हो ये भी नाजायज़ है। लिहाजा हम समझते हैं कि गुटके का काम जायज़ नहीं है, लेकिन आप इस बारे में दूसरे उलमा से भी राबता कर सकते हैं, उनसे भी रुजू कर सकते हैं। मज़ारों के साथी लफाकत हो।